हम जानते हैं कि एनिमल किंगडम की स्पीशीज के लार्ज नंबर्स को कैसे ग्रुप किया गया था। हम ये भी जानते हैं कि डिफरेंट क्राइटेरिया के बेस पर एनिमल किंगडम को फर्दर 11 फाइला में क्लासिफाई किया गया है। चलिए इस क्लासिफिकेशन के सारे क्राइटेरिया को जल्दी से रिकलेक्ट करते हैं। इस क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया हैं ऑर्गेनाइजेशन के लेवल, बॉडी सिमेट्री, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस या एब्सेंस, बॉडी में सेगमेंटेशन, जर्म लेयर्स, सीलोम और ऑर्गन सिस्टम के पैटर्न्स। अब जब हमारे पास फर्स्ट फोर क्राइटेरिया की एक ब्रीफ नॉलेज है, तो अब टाइम है बाकी थ्री क्राइटेरिया को एक्सप्लोर करने का, जर्म लेयर्स, सीलोम और ऑर्गन सिस्टम के पैटर्न्स क्लासिफिकेशन के बाकी थ्री क्राइटेरिया हैं। जर्म लेयर से शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट रैपिडली डिवाइड होता है और सेल्स का एक मास बनाता है। ये सेल्स लेयर्स में अरेंज होती हैं और इन लेयर्स को जर्म लेयर्स कहा जाता है। इन लेयर्स से ही बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स डेवलप होते हैं। जर्म लेयर्स के नंबर के आधार पर एनिमल्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। अगर जर्म लेयर्स के नंबर दो हैं तो एनिमल्स को डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में आउटर जर्म लेयर को एक्टोडर्म बोलते हैं, जहां एक्टो का मतलब आउटर और डर्म का मतलब लेयर है। इनर जर्म लेयर को एंडोडर्म बोलते हैं, जहां एंडो का मतलब इनर और जर्म का मतलब लेयर है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक जेल लाइक लेयर भी प्रेजेंट होती है, जिसे मीजोग्लिया कहते हैं। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स का एक एग्जाम्पल हाइड्रा है, जो फाइलम सीलेंट्रेटा या निडेरिया से बिलोंग करता है। सिमिलरली थ्री जर्म लेयर्स वाले ऑर्गेनिजम्स को ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म के बीच में एक मिडिल जर्म लेयर भी प्रेजेंट होती है, जिसे मीजोडर्म कहा जाता है। फाइलम प्लैटीहेल्मिंथेस से लेकर कॉर्डेटा तक ट्रिप्लोब्लास्टी देखी जाती है। हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जर्म लेयर के नंबर को भी रिलेट कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का होता है, जैसे कि निडेरियंस, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जबकि जिन ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो हमेशा ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या आप इनके कुछ एग्जाम्पल्स गेस कर सकते हैं? हाँ, फाइलम प्लैटीहेल्मिंथेस से लेकर कॉर्डेटा तक के सभी ऑर्गेनिजम्स। हाउएवर, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें ऑर्गेनाइजेशन का सेल्यूलर लेवल होता है, जैसे कि पॉरीफेरेंस, उनके पास कोई जर्म लेयर नहीं होती है। हाँ, ये एक्सेप्शंस हैं। एनिमल्स के बीच क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट क्राइटेरिया सीलोम है। आपको क्या लगता है, सीलोम क्या है? सीलोम बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच की कैविटी है। ये कैविटी जनरली मीजोडर्म से लाइंड होती है। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आई होगी। सीलोम की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेस पर एनिमल्स को एसीलोमेट्स, सूडोसीलोमेट्स और सीलोमेट्स में कैटेगराइज किया गया है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि एसीलोमेट्स वो हैं जिनमें सीलोम एब्सेंट होता है। प्लैटीहेल्मिंथेस एसीलोमेट्स के एग्जाम्पल हैं। सूडोसीलोमेट्स वो हैं जिनमें लेस डेवलप्ड या फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होता है। इस सूडोसीलोम में मीजोडर्मल लाइनिंग नहीं होती। सूडोसीलोमेट्स फाइलम एस्किल्मिंथेस के मेंबर्स हैं। एनिलीड्स, मॉलस्क, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में एक ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, जिसे सीलोमेट्स कहा जाता है। ट्रू सीलोम मीजोडर्म से लाइंड होता है। ये सीलोम के बारे में था। अब क्लासिफिकेशन के लास्ट बेसिस पर मूव करते हैं, जो कि ऑर्गन सिस्टम का पैटर्न है। एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा जैसे फाइलम्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, लेकिन इन ऑर्गन सिस्टम के पैटर्न्स सिमिलर नहीं होते हैं। ये एक फाइलम से दूसरे फाइलम में डिफर करते हैं। इस डिफरेंस का यूज़ एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए भी किया गया है। फॉर इंस्टेंस, अगर हम केस स्टडी के लिए डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी सिस्टम को लें, हम देख सकते हैं कि फाइलम प्लैटीहेल्मिंथेस में डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ओपनिंग होती है, जो कि बॉडी के आउटसाइड की तरफ प्रेजेंट होती है। इसका मतलब है कि बेसिकली एक सिंगल ओपनिंग माउथ और एनस दोनों की तरह सर्व करती है। इस टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम को इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑर्थ्रोपोड्स से लेकर कॉर्डेट्स तक के डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग्स होती हैं, माउथ और एनस। इस टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम को कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहा गया है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम के भी दो पैटर्न्स होते हैं, ओपन और क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं होता है और बॉडी की सभी सेल्स और टिश्यूज के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है। क्योंकि ब्लड ओपनली फ्लो करता है, इसीलिए इस टाइप के सिस्टम को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। ये आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा जैसे फाइलम में प्रेजेंट होता है।
लेकिन फाइलम कॉर्डेटा जिसमें हम ह्यूमंस इंक्लूड हैं और फाइलम एनिलिडा में ब्लड क्लोज्ड कंपार्टमेंट में आर्टरीज और वेन्स जैसे सीरीज ऑफ वेसल्स में सर्कुलेट होता है। क्योंकि ब्लड कभी भी सेल्स के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है और वेसल्स में क्लोज्ड होता है, इसीलिए इस टाइप को क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। एनिमल किंगडम्स में क्लासिफिकेशन के वेरियस क्राइटेरिया के बारे में इतना ही। चलिए अब जल्दी से रिकैप करते हैं। एनिमल क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया हैं ऑर्गेनाइजेशन के लेवल, बॉडी सिमेट्री, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस या एब्सेंस, बॉडी में सेगमेंटेशन, जर्म लेयर्स, सीलोम और ऑर्गन सिस्टम के पैटर्न्स। एम्ब्रियोनिक सेल लेयर्स में अरेंज होते हैं जिन्हें जर्म लेयर्स कहा जाता है और बॉडी पार्ट्स इन्हीं जर्म लेयर्स से डेवलप्ड होते हैं। जर्म लेयर्स के नंबर के बेसिस पर एनिमल्स को डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्लासिफाई किया गया है। सीलेंट्रेट्स डिप्लोब्लास्टिक हैं और फाइलम प्लैटीहेलमिंथस से लेकर कॉर्डेटा तक सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। सीलोम बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच की कैविटी है। सीलोम पर बेस्ड तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, एसीलोमेट्स, स्यूडोसीलोमेट्स और सीलोमेट्स। प्लैटीहेलमिंथस एसीलोमेट्स हैं, एस्किलमिंथस स्यूडोसीलोमेट्स हैं, एनिलीड्स, मॉलस्क, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स सीलोमेट्स हैं। सिर्फ एक ओपनिंग वाले डाइजेस्टिव सिस्टम को इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। प्लैटीहेलमिंथस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। दो ओपनिंग वाले डाइजेस्टिव सिस्टम को कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि कॉर्डेट्स में कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। आर्थ्रोपोड्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि कॉर्डेट्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसी के साथ हम इस सेशन के एंड में आ गए हैं। ये एक फन सेशन था, है ना? चलिए नेक्स्ट सेशन को और भी बेटर बनाएंगे। हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे, तब तक कीप लर्निंग।